एवरीबॉडी, वेलकम टू माय व्लॉग। सो आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ द वन अवध मॉल, और सिंपली आप लोग इसे सिनेपोलिस के नाम से भी जानते होंगे। सिनेपोलिस जो है वो वहाँ का लाइक मल्टीप्लेक्स का नाम है, और द वन अवध इज द नेम ऑफ द मॉल जहाँ हम जा रहे हैं। सो लेट्स मूव। सो फ्रेंड्स, सिनेपोलिस आप कह सकते हैं द वन अवध लोकेटेड है गोमती नगर में, और मैं अभी रास्ते में हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 किलोमीटर बचा है, पहुँचने वाली हूँ थोड़ी देर में। मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर है। सो हम पहुँच चुके हैं द वन अवध, और पार्किंग में लगा देंगे कार को। सो लेट्स मूव इन। काफी अच्छा पार्किंग एरिया है इनका। पार्किंग की तरफ से एंट्री इज सो नैरो। बेसमेंट में पार्किंग के बाद सबसे पहले है यहाँ पर स्पेंसर्स, और काफी अच्छा बड़ा सा स्पेंसर्स है यहाँ पर। गुड कलेक्शन, लाइक स्पेंसर्स तो काफी अच्छा है, पुराना है। मैं इतने दिन से जहाँ जहाँ जा रही थी, मुझे बिग बाजार मिला और द मैक्स मिला, अब यहाँ पर मुझे स्पेंसर्स, बहुत समय बाद स्पेंसर्स देखने को मिल रहा है किसी मॉल में। The complete ground floor is having Spencer's, like काफ़ी बड़ा Spencer's यहाँ बनाया हुआ है। Actually ये ground floor नहीं है, ये basement है। So parking से entry पर Spencer's है यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा Spencer's है। सो आ गए हैं हम ग्राउंड फ्लोर पे, एंड दिस इज़ बेसिकली द फर्स्ट फ्लोर, यू कैन से एक्चुअली ये ग्राउंड फ्लोर है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है द लाइफ स्टाइल, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लाइफ स्टाइल। इंटीरियर तो काफ़ी अच्छा है, द लिकर लैंड, ओह एनीबडी इंटरेस्टेड, सो आई एम मूविंग इन टूवर्ड्स द लाइफ स्टाइल। ऐसे देखने में ये काफ़ी कंजस्टेड सा, इवन ये एक होटल जैसा लग रहा है, ये मॉल जैसा नहीं लग रहा अंदर से। बट हाँ, यहाँ पर भी काफ़ी लाइक जो आउटलेट्स हैं दिए हुए हैं, डिफरेंट शॉप्स वगैरह। ओके, है ये भी 4th फ्लोर में, और मैं 1st फ्लोर पर हूँ इस वक्त। तो इन्होंने एक तरफ पूरा ग्राउंड 1st और 2nd फ्लोर में दे दिया है द लाइफ स्टाइल, और द 3rd फ्लोर इज़ एक्चुअली हैविंग द सिनेपोलिस। सो वो तो आपका फूड कोर्ट और सिनेपोलिस है वहाँ पर, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है वो बंद है। एक तरफ में पूरा लाइफस्टाइल है, आधे मॉल में आप कह सकते हैं सभी फ्लोर्स पर, और दूसरी तरफ है द मैक्स। तो जो मैक्स है वो भी बंद है, वो ओपन नहीं हुआ है, ओपनिंग सून लिखा है, लेकिन तीनों फ्लोर पर मैक्स ही होने वाला है उनका, तो अभी ओपन नहीं हुआ है, ओपनिंग सून लिखा है। सो नाउ आई एम ऑन द टॉप फ्लोर, और यहाँ है सिनेपोलिस प्लस फूड कोर्ट। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर फूड कोर्ट में। फूड कोर्ट तो काफ़ी अच्छा बड़ा सा बना है, लेकिन यहाँ काफ़ी खाली है, बहुत भीड़ नहीं है। एक तरीके से अच्छा भी है, भीड़ नहीं है तो। सारागंज वगैरह में तो काफ़ी भीड़ रहती है, बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती। तो फूड कोर्ट काफ़ी अच्छा बड़ा बना हुआ है इनका। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स समथिंग, कुछ ऑर्डर करते हैं।
हम ले आए हैं बर्गर्स और नाचोस प्लस पाव भाजी भी लिया है। तो मम्मी खाएंगी पाव भाजी, हम खाएंगे बर्गर सिस्टर और मैं कोल्ड ड्रिंक्स के साथ। सो नाउ देयर इज द गेमिंग जोन ऑल्सो, ये भी फोर्थ फ्लोर पर ही है। सिनेपोलिस फूड कोर्ट और गेमिंग जोन सभी फोर्थ फ्लोर पर ही है और ये भी पूरा खाली है। लेट्स मूव इनसाइड। एक भी बच्चा नहीं है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ बहुत भीड़ होनी चाहिए बट एक्चुअली नहीं है। लेट्स मूव इन। काफ़ी अच्छा गेम जोन बनाया है, अच्छी वैरायटी में गेम्स हैं यहाँ पर। सो लेट्स मूव बैक। और हम आ गए हैं वापस, हम आ रहे हैं ऑन द वे आई एम। और सिंपली मुझे तो सही लगा सिनेपोलिस। हाँ, जिनके घर के पास है उनके लिए बेस्ट है, छोटा मोटा शॉपिंग वगैरह करने के लिए स्पेंसर्स वगैरह है। और लेकिन इतना नहीं है कि कोई दूर से आए और यहाँ पर स्पेशली जो है दावन अवध में जाए, क्योंकि दावन अवध में अभी द मैक्स जो है वो भी बना नहीं है पूरा, तो अभी आधा ही वो है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मैक्स अभी ओपन नहीं हुआ। एक तरफ द लाइफ स्टाइल है जिसमें एक फ्लोर पे किड्स का, एक पे वीमेन का, एक पे मेन का, लाइक जो भी उनके आउटफिट्स होते हैं, बट सिंपली सिर्फ क्लोथिंग्स का ही है। तो दूसरी तरफ द मैक्स है जो कि अभी बन रहा है, एंड यू कैन सी आई एम ऑन द वे राइट नाउ। काफ़ी लंबा रास्ता है एंड मूविंग टूवर्ड्स होम। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ वापस द वन अवध से और सिंपली ये मॉल जो था ठीक ठाक था, लाइक बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया सच बताऊँ तो, बट हाँ सही था। अगर आपको मूवी देखने जाना है तो सिनेपोलिस इज़ देयर एंड इट्स रियली नाइस। और फोर फ्लोर्स हैं, चार फ्लोर पर है आपका ये मॉल। एक तरफ है पूरा लाइक ऑल ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर आपका है लाइफ स्टाइल, और जो दूसरी तरफ है, एक तरफ मतलब आधे में पूरा लाइफस्टाइल है और दूसरी तरफ जो है वो मैक्स है। तो मैक्स जो है वो अभी ओपन ही नहीं हुआ है, वो लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो बंद था और वो जल्द ही लिखा था ओपनिंग सून, तो उसमें पूरा एक तरफ रहेगा मैक्स तीनों फ्लोर पर। और फोर्थ फ्लोर पर सिंपली सिनेपोलिस है, फूड कोर्ट है। तो फूड कोर्ट वॉज फाइन और खाना भी ठीक ठाक था, नॉट सो सेटिस्फाइड बट यस इट वॉज फाइन और सही था। मतलब आपके पास समय कम है और आप कुछ शॉपिंग करनी है या थोड़ा सा आउटिंग करनी है, घूमना है, तो इट इज़ रियली नाइस, आप जा सकते हैं। और काफ़ी सही था, डे वॉज फाइन, मज़ा आया। बट हाँ, अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो कंपेरेटिवली अगर हम इसको पलासियो से या फिर लुलू से कंपेयर करेंगे सो उतना नहीं मज़ा आया, और सिंपली सहारागंज से कंपेयर करेंगे तब भी उतना कुछ नहीं है। बट हाँ, इंटीरियर वगैरह अच्छा था, लाइक एम्बियंस सही था, सो इट वॉज़ गुड। सो आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सिंपली वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने के बाद ही आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।